थोड़ा फ्रेम में, भैया थोड़ा फ्रेम में। अब आप लोग बोल दीजिए, कोई एक स्टार्ट बोल दीजिए। सर आज जो इस रसोई पर लूट करते हैं, ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया गया है पुलिस द्वारा, किस तरीके से लोग पूरी घटना को अंजाम देते हैं? बिल्कुल, 5 अप्रैल को रात को 2 बजे यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा के आगे एक DCM ट्रक को कुछ व्यक्तियों ने आकर उसको लूट लिया और उसमें 45 फ्रिज थे, वो ट्रक को लेकर सामान को लेकर फरार हो गए। उसमें आज गोसाईगंज पुलिस और DCP साउथ सर्विलेंस टीम की टीम ने बहुत अच्छा काम करके अनावरण किया है। इसमें घटना में 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम है सुरेश कुमार यादव, मुकेश कुमार तिवारी, अमन शर्मा, सूरज मिश्रा और अश्विनी कुमार सिंह। इन्होंने एक बोलेरो यूज़ की थी जो ट्रक के पास रोकी थी, उसके बाद खटखटाए, ड्राइवर सो रहा था, उसको उठाए और उसके ऊपर हावी हो गए और फिर ट्रक लेकर फरार हो गए थे। इस घटना में जो प्रयुक्त बोलेरो थी वो भी हमारे पास है, रिकवर हो चुकी है। इसके अलावा एक नाजायज़ तमंचा, 12 बोर मई, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इसके अलावा 28 गोदरेज के फ्रिज बरामद हुए हैं। इसमें इनका मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह अभी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। इनका कोई पूर्व में भी ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड रहा कि ये लगा इससे पहले भी हाईवे पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिए क्या? ये गैंग एक ATM क्लोनिंग के लिए कुछ मुकदमे सामने आए हैं। इनमें से कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास अभी चेक किया जा रहा है। इन लोगों ने मोबाइल लूट में भी एक जेल गए हैं, तो इनका आपराधिक इतिहास रहा है। ये एक कनेक्टेड गैंग की तरफ काम करते हैं, ये एक लोकल एरिया से ही बिलोंग करते हैं, तो इस पूरी गैंग को आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और